नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। प्रेमनगर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। देहरादून के प्रेमनगर में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। टनकपुर बैंड कोटरा संतूर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली UK16CA 1662 से दोनों युवक देवेंद्र कुमार पुत्र नैन सिंह निवासी प्रेमनगर व आर्यन पुत्र पप्पू फूल सैनी से कोटला संतूर की ओर जा रहे थे, तभी नकटपुर बैंड के पास ढलान पर उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। युवक पर लगा युवती को जहरीला पदार्थ देने का आरोप। मौत के बाद लड़की की स्कूटी और मोबाइल लेकर भाग गया आरोपी। उत्तराखंड के रोड की युवती को जहरीला पदार्थ देकर मारने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों ने उसके दोस्त पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया है। युवती की मौके पर मौत के बाद आरोपी उसका मोबाइल और स्कूटी लेकर फरार हो गया। सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण प्रकरण, हाईकोर्ट ने पूर्व लोक निर्माण सचिव को जारी किया अवमानना का नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर चौड़ीकरण में हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का अनुपालन नहीं करने पर न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने तत्कालीन लोक निर्माण सचिव आरके सुधांशु और सहायक अभियंता धीरेन्द्र कुमार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। अब मामले को अगली सुनवाई 20 दिसंबर की तिथि नियत की है। हरिद्वार पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ दो लोगों को पकड़ा। बरामद माल की कीमत 20 लाख रुपए। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां 20 लाख रुपए के स्मैक के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की बाइक जब्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल में भेज दिया है। कंट्राक्ट नैनीसैंड मोटर मार्ग को ठीक कराने की मांग। अधिशासी अभियंता से मिले कपीरी पट्टी के लोग। कपीरी पट्टी के लोग सड़क ठीक कराने की मांग को लेकर PWD के अधिशासी अधिकारी से मिले लोगों ने कहा कि सड़क जानलेवा बनी हुई है, अगर इसे ठीक नहीं कराया गया तो हादसे हो सकते हैं। इस पर अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। चिन्हीकरण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का सचिवालय कुछ का 23 साल से ठगा महसूस कर रहे। आज देहरादून में आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, एक समान पेंशन भत्ता, मूल निवास 1950 लागू करने और हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी गर्जे। इतना ही नहीं, वे सचिवालय घेराव के लिए निकले लेकिन पुलिस ने रोक लिया। 23 साल की उपलब्धि 11 मुख्य। उत्तराखंड स्थापना दिवस नेताओं ने सत्ता के लिए बनाए और बिगाड़े समीकरण, राजनीतिक लाभ के आगे पीछे छोटा विकास। उत्तराखंड राज्य 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। जिस मकसद के लिए राज्य आंदोलन हुआ था वो सपना अभी तक दूर की कौड़ी ही लग रहा है। इसके लिए राज्य के नेताओं की सत्ता जो भूख जिम्मेदार रही, जिसके लिए वो आए दिन राजनीतिक समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहे, इस दौरान राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। फेसबुक पर युवती से दोस्ती, दिया अमेरिकन डॉलर का लालच और लग गया 64 लाख का चूना जाने कैसे। साइबर ठग ने अमेरिकी डॉलर का लालच देकर कोटद्वार के व्यवसाय से 64 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने कोटद्वार साइबर सेल से शिकायत की। कल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति मुर्मू। देहरादून के लोग रूट प्लान देखकर घर से निकले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर देहरादून में विशेष चौकसी बरती गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही शहर में रूट भी डायवर्ट किया गया। मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बेवा हो गई दुल्हन, सड़क हादसे में शौहर की मौत, मस्जिद में इमाम था हारूल। उत्तराखंड के रुड़की शहर में एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ नवविवाहिता के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी तक नहीं उतरा था कि उसके शौहर की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक का नाम हारून है, जिसके एक महीने पहले ही निकाह हुआ था। उधर प्रेमनगर इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। त्योहार के मौसम में मावे मिठाई में मिलावट की जाँच, मिठाई के डब्बों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के दिए निर्देश। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन के लिए कमर कस ली है। मिठाई के डब्बों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। दिवाला नगर निकाय का कार्यकाल 2 दिसंबर को हो रहा पूरा। 14 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। डोईवाला नगर निकाय का कार्यक्रम 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग यहां प्रशासक नियुक्त करेगा। इसके साथ ही मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम भी 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।
साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। जानिए पीड़ित ने क्या की गलती। पढ़े लिखे लोग अभी साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। ठगों ने इस बार जोहो ऐप डाउनलोड कराकर बैंक खाते की डिटेल मांगकर एक व्यक्ति के खाते से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे द्रौपदी मुर्मू, सीएम धामी भी मौजूद। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुधवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हिमवती नंदन बगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय के चौरास परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सीएम धामी और राज्यपाल भी इस दौरान दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। अभिनेत्री रवीना टंडन ने बेटी राशा ठडानी के साथ किए बाबा केदार के दर्शन, प्रशंसकों ने ली सेल्फी। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन की ने बेटी राशा ठडानी के साथ केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। वह लगभग 1 घंटे तक केदारनाथ धाम में रही। मंगलवार सुबह 9 बजे अभिनेत्री केदारनाथ स्थित हेलीपैड पर पहुंची, जहां पर बीकेटीसी व तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूजा कर लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में करीब 25 मिनट तक पूजा करते हुए राष्ट्रपति ने देश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बद्रीनाथ धाम आगमन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की आगवानी की। इस बार के मैदानी जिलों में ओबीसी की सीटें बढ़ेंगी, पर्वतीय में घटेंगी। इस बार के निकाय चुनाव में मैदानी जिलों में ओबीसी का आरक्षण 14% बढ़ेगा तो पर्वतीय जिलों में घटेगा। एकल सदस्य ओबीसी आयोग के पास आई रिपोर्ट जन सुनवाई के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। आयोग को 99 निकायों की ओबीसी सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल चुकी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।